हेलो माय डियर फूडीज़, वेलकम टू शर्मा कुकिंग क्रैक्स। आज हम स्पेशल डे पर आइसक्रीम बनाएंगे और दो फ्लेवर की आइसक्रीम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइसक्रीम बनाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आइसक्रीम के लिए हाफ लीटर मिल्क, फैट मिल्क ही लेना है, फिर उसमें हाफ कप शुगर और 1.5 टेबल स्पून GMS पाउडर, और आइसक्रीम के अंदर जो भी हम मेजरमेंट्स लेते हैं वो लेवल लेना है हमको। फिर 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, ये सब चीज़ को अच्छे से मिक्स करें और 5 मिनट्स के लिए उसको कुक करें। एक जोश आना चाहिए, वो इतनी देर तक उसको कुक करें। फिर उसमें 1/8 टेबल स्पून मतलब 1/4 का हाफ स्टेबलाइज़र पाउडर डालें, और ये हमारा एक जोश हो गया है। एक जोश के बाद उसको ठंडा करें थोड़ी देर के लिए, कूल करें उसको। कूल करने के बाद एक कंटेनर में, ये हमारा लॉन्ग जो कंटेनर है उसमें खाली कर दें। अब इसको 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में चिल करें, और 8 घंटे के बाद हमने बाहर निकाल के उसको रूम टेम्परेचर पर किया है, ऑलमोस्ट 45 to 60 मिनट्स के लिए उसको बाहर रखें। फिर उसमें 1/2 टीस्पून वनीला पाउडर, वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं, हमने वनीला पाउडर यूज़ किया है, और 1/2 कप क्रीम। सो इसको एक बॉल में खाली करें, फिर उसमें वनीला एसेंस और क्रीम डालकर उसे 20 मिनट्स के लिए बीट करें। ये जो हमारा बॉल है वो ऊपर तक फुल हो जाना चाहिए, इतनी देर तक उसको बीट करें, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स होता है। तो ये देखिए, हमारा बीट करते करते ऊपर तक आ गया है, और ये बबल्स देखे, अब इसको हम हाफ करके दो फ्लेवर, एक तो वनीला ही है हमारा, सो एक को हम फिर से कंटेनर में खाली करके उसको पैक करके फ्रिज में 8 घंटे के लिए फिर से चिल करेंगे। अब दूसरे हाफ में हम ऑरेंज फ्लेवर बनाया है। ऑरेंज फ्लेवर के लिए हमने इसमें 1/4 टीस्पून ऑरेंज एसेंस डाला है, मिक्स करें। और 1 टेबल स्पून टूटी फूटी, अब इसको एक कंटेनर में डालकर इसको भी 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में चिल करें। और ये 8 घंटे के बाद हमारी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है, और अब हम उसे सर्व करेंगे। सो ये आइसक्रीम खा के स्पेशल डे को स्पेशल बनाइए, और आपको कोई रेसिपी चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी वो रेसिपी हम ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। फिर से मिलेंगे आने वाली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।